सो गाइज यू कैन सी नाउ हाउ मच मनी आई हैव टू पे। आप लोग का क्वेरी रहता है कि फर्स्ट सर्विस में कूलेंट चेंज कराना चाहिए कि नहीं, तो पूछ लेता हूँ भैया चल सकता है कि नहीं। तो गाइज आप लोग गंदगी देख सकते हैं और ये अगर मेन इंजन में रहा तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है आपकी गाड़ी के लिए, आप समझ सकते हो। यू कैन सी गाइज दिस इज द मेन थिंग, पहले सर्विस में इंजन ऑयल चेंज करना जरूरी होता है। और यू कैन सी द लेवल ऑफ कूलेंट बहुत ऊपर तक है। तो भैया ने मुझे ये ऑयल फ्री दिया है, बोला कि इसको चेन पे लगाते रहना। सो ही इज चेकिंग माय बैटरी, बैटरी के बारे कुछ बताएंगे भैया? जरूरी है, कहीं गाड़ी में किक नहीं है। सो वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने 10 दिन पहले ही मारुति को अपने घर लाया था। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो डिलीवरी वाला वीडियो, आई हैड पोस्टेड दैट वीडियो 10 डेज अगो। तो पूरा पूरी 10 दिन हो गया हमारी मारुति का, और मैं आज इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 10 दिन में 1000 किलोमीटर पूरा कर लिया है। और सर्विस सेंटर का कहना था कि जब भी आप 1000 किलोमीटर पूरा कर लो तो आप फर्स्ट सर्विस के लिए आ जाओ। तो जैसा कि माइलेज वाला वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो अभी मैं अपने घर पे हूँ बोकारो में। तो मैं रांची पे सर्विस नहीं कराऊंगा और बोकारो में ही करवाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं 1013 किलोमीटर चला चुका हूँ इस बाइक को, अपनी मारुति को। तो अभी हम चलेंगे इसका फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए, और आपको सर्विस कॉस्ट और स्टेप बाय स्टेप डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे सीधा सर्विस सेंटर में। सो एज यू कैन सी आई हैव रीच्ड द सर्विस सेंटर ऑफ यामाहा बोकारो। मैं रांची में नहीं था, आप लोगों को जैसे पता था कि सरहुल का हॉलीडे में मैं अपने घर आ गया था बोकारो। तो हमारे बोकारो में भी सर्विस सेंटर है यामाहा का, तो यहीं से मैं सर्विस करा लेता हूँ। और सर्विस कराने के बाद बताता हूँ क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या लगा और मुझे सर्विस चार्ज कितना पड़ा। देख सकते हैं मारुति को मैंने खड़ा कर दिया, और दूसरे गाड़ियों की तरह बिल्कुल भी गंदी नहीं है हमारी गाड़ी। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी इधर देख सकते हैं बाइक्स आर बीइंग सर्विस्ड। दिस इज द काउंटर सेंटर। सो दे हैव गिवन मी दिस एंड सेड यू हैव टू सबमिट दिस एट द टाइम ऑफ बिलिंग। मुझे बिलिंग के टाइम ये सबमिट करना पड़ेगा, और मैं उसके बाद आपको सर्विस कॉस्ट बताऊंगा कि क्या क्या चेंज में क्या क्या कितने पैसे लगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। सो दिस इज द वॉश रूम एंड नाउ दे विल वॉश माई बाइक। सो नाउ माई बाइक इज बिंग वॉश्ड बाई देट भैया, और वो अभी धो रहे हैं। इसके बाद मेन सर्विस में जाएगी हमारी बाइक। सो यू कैन सी नाउ हमारे बाइक पूरा धुल गई है, मारुति पूरा नहा लिया है, और अभी चमचमाता हुआ दिख रहा है हमें अपना गाड़ी। सो एज यू कैन सी हमारे मारुति को पूरा खोल दिया गया है, और अभी मरम्मत होगी इसकी, और क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या मोबिल वगैरह डलाएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। हाँ पहला सर्विस कितना चला सर? 1040। 10 दिन हुआ है खरीदा हुआ। सो यू कैन सी गाइस दिस इज द मेन थिंग, पहला सर्विस में इंजन ऑयल चेंज करना जरूरी होता है। पहला सर्विस में जैसा आप भैया ने बोला कि पहला सर्विस में इंजन ऑयल चेंज करना बहुत ही नेसेसरी होता है। किस लिए बोल रहे बता? देखिए ये जो ना इंजन का जो अच्छा मोटर होता है उसको लोहा का पावर देता है। देखिए अच्छा बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स गिर जाते हैं, इस वजह से आपको इंजन ऑयल जरूर चेंज करना चाहिए पहले सर्विस में 1000 किलोमीटर हो जाने के बाद। तो गाइस आप लोग गंदगी देख सकते हैं, और ये अगर मेन इंजन में रहा तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है आपकी गाड़ी के लिए, आप समझ सकते हो, देख सकते हैं। भैया काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भैया अभी मेरा इंजन फिल्टर या ऑयल फिल्टर निकाल रहे हैं, इसको भी चेंज किया जाएगा। देख सकते हैं अब काफ़ी गंदा है, और अभी न्यू लगेगा ना भैया। सो गाइस दिस इज द ओरिजिनल यामाहा का इंजन ऑयल, आप लोग हमेशा यही यूज करो और हमेशा ऑफिशियल सर्विस सेंटर से सर्विस कराओ। ये ऑयल फिल्टर है, ये मोबिल इंजन ऑयल था, और ये एक ऑयल फिल्टर देख सकते हैं अभी चमचमाता हुआ, और पहले आपने देखा कि कितना गंदा था।
सो गाइस भैया है सेड कि चेन लूप भी यूज़ करना चाहिए, पर फर्स्ट सर्विस में नेसेसरी नहीं है आपको, पर सेकंड सर्विस में जब भी आओ तो चेन को लूप कर लो, और इसका आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, भैया ने इसे बताया। जंग लग गया है, जंग लग गया ना इसे ऊपर। तो यहाँ पे रस्ट लग चुका है, जंग लग चुका है, और भैया इसका अभी सॉल्यूशन देंगे मुझे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया सॉल्यूशन देंगे, तो भैया क्या अप्लाई कर रही है? डीजल है, डीजल है, ताकि वो रस्ट, डीजल या फिर केरोसिन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, डीजल या केरोसिन आप लोग यूज कर सकते हैं, ताकि ये रस्ट और जंग हट जाए। बाकी आप लोग खुद से ना करके प्रोफेशनल जो जानते हैं वही कराएं, सर्विस सेंटर आके ही करवाएं। यू कैन सी द चेंज, पहले थोड़ा जंग लगा हुआ था और अभी देखे पूरा क्लीन कर दिया भैया ने। तो डीजल या केरोसिन आप यूज कर सकते हैं, ऊपर से ग्रीस लगा दिया भैया ने। ये भी फिक्स कर दिया गया है, अब देखते हैं भैया क्या करने वाले हैं। तो अब इसमें कवर लगाया जा रहा है और सब कुछ भैया ने ठीक कर दिया, रस्ट वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो गया। You can see this time. चेन कहाँ से, डीजल या केरोसिन से, सब कुछ है हमेशा। कितने दिन में फिर भी सर? तो कंपनी तो 500-700 किलोमीटर के अंदर में बोलती है, कम से कम 1000 किलोमीटर में एक बार करवाना जरूरी है। अच्छा, चेन में रस्ट पकड़ेगा, जंग पकड़ेगा, गंदा होगा, चेन खराब होने का नंबर बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर देखिए डीजल मार्कम साफ पकड़ेगा। अच्छा, सो भैया इज क्लीनिंग माई चेन बाई डीजल और केरोसिन। तो केरोसिन या डीजल से आप लोग साफ कर सकते हैं चेन को, ताकि इस पर रस्ट ना लगे, और जो बाइक को ज़्यादा धोते हैं उनके लिए तो ये कंपलसरी है। और चेन लूप मारेगा तो बढ़िया है, और चेन लूप मारिएगा तो और बढ़िया है। वो मैं सेकंड सर्विस में खरीद लूँगा एक डब्बा, जैसा भैया ने बताया। सी द प्रोसेस ऑफ चेन क्लीनिंग, पहले उन्होंने केरोसिन या डीजल अप्लाई किया, फिर अभी कपड़े से साफ कर रहे हैं। भैया ने मेरा चेन भी ठीक कर दिया, और ये 30 या 40 mm में होना चाहिए। टाइट कर रहे हैं इंजन, जिससे इंजन ऑयल को निकाला गया था उसको टाइट कर रहे हैं। तो अब वो चीज़ होगा जिसके लिए लोग सर्विस कराने के लिए आते हैं भाई। अब हमारा इंजन फ्यूल, मतलब इंजन ऑयल डाला जाएगा। अच्छा, अभी इंजन फिल्टर डाला जाता है, इसको ऑयल फिल्टर ना भैया, तो अभी ऑयल फिल्टर डाला जाएगा, और एकदम न्यू है, देख सकते हैं येलो कलर का। इसको गीला किया जाएगा इंजन ऑयल के थ्रू। तो आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं, यही ओरिजिनल वाला है, बाहर से कहीं ना लगवाएं, या माँ ने जो ऑफिशियली रखा हुआ है गाड़ियों के लिए वही यूज़ करें आप लोग।
भैया अभी उस पर ऑयल डाल रहे हैं। और यू कैन सी द प्रोसेस, इसको अंदर डाल दिया भैया ने। ऑयल फिल्टर को लगाने के बाद उसके नट चढ़ाया जा रहा है, उसको पैक किया जा रहा है। तो अभी मेन चीज हो रहा है, इंजन ऑयल को इंजन में डाला जा रहा है। एंड यामाहा लूब का ये है और दिस इज द ऑफिशियल वन। एक लीटर आता है यार, यू हैव टू फिल वन लीटर। कैप टॉप लगा देंगे, देख सकते हैं। अब मैं अपना भैया से कूलेंट चेक करवा रहा हूँ ताकि यदि अगर कम होगा तो मैं रिफिल करवा लूँगा, और नॉर्मल होगा तो नेक्स्ट सर्विस में कराऊँगा। मारुति का एक पार्ट खोल दिया गया है, तो इस पार्ट को रिमूव करने के बाद ही कूलेंट चेक किया जाता है। तो यू कैन सी द लेवल ऑफ कूलेंट बहुत ऊपर तक है, तो मुझे जरूरत नहीं है अभी, तो नेक्स्ट सर्विस में मैं फिल कराऊंगा इसे। कूलेंट चेक कराने के बाद भैया फिक्स कर दे रहे हैं पूरे बाइक को, पार्ट्स को लगा दे रहे हैं। तो ही इज चेकिंग माई बैटरी। बैटरी के बारे कुछ बताएंगे भैया? ये जरूरी है, कहीं गाड़ी में किक नहीं है। अच्छा, 12 वोल्ट बताना चाहिए बाइक का। और भैया अभी चेक करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 12 प्लस है, मतलब काफी अच्छा है। हमेशा चेक कराते हैं। अच्छा, तो आप लोग हमेशा बैटरी वोल्टेज चेक करवा ले, 12 होना चाहिए, 12 वोल्ट। तो मैंने 13 बताया, मतलब काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी चेक करवाते रहे। अभी सीट भी लग चुका है और फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं मारुति का, चमचमाता हुआ हमारा मारुति। और वो भैया काफ़ी कोऑपरेटिव है। मारुति खुश तो बहुत हो गया आज की। अभी बाइक को निकाल दे रहे हैं मेरे लिए ताकि मैं चला के जा सकूं। सो गाइस, नाउ आई एम डूइंग द व्हीलिंग एंड लेट्स सी हाउ मच कॉस्ट आई हैव टू पे। सो गाइस, यू कैन सी नाउ हाउ मच मनी आई हैव टू पे। सो यू कैन सी द फाइनल प्राइस, मेरे को लगा 777777। और मुझे, मैंने दो ही चीज़ें यूज लगवाया है इनसे, जो कि इंजन ऑयल था और मोबिल फिल्टर। सो नाउ दे हैव रिटर्न माय चेंज। सो नाउ यू कैन सी द साइन ऑफ पेड लिखा हुआ मिल गया, इट्स मीन्स आई हैव पेड द मनी। सो थैंक यू भैया। नाउ यू नो द प्रोसेस कि सर्विस कैसे होता है, कितना चार्ज लगता है। 777 लगेगा मेरे को फर्स्ट सर्विस, और यही लगता है हमेशा, एज यूजल यही लगता है फर्स्ट सर्विस में। सो गाइज, अभी जाते हैं और फाइनल लुक हमारा मारुति का देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट, काफ़ी चमचमाता हुआ हमें अपना मारुति दिख रहा है और काफ़ी अच्छा सर्विस रहा। तो इस वीडियो को यहीं हम ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड सेफ ड्राइव।